चंद्र मानी देवी और रीता देवी सब हथिन, बड़ी भीड़ लगल है, की बात है, चले ही चल करके देखा ही, अभी तो कटनी के सीजन है। प्रणाम दी तो दे। प्रणाम सुना दे। यहाँ दीदी हम तो देख रही रही से जा रही तो देखली कि बड़ी भीड़ लगल है कि जगह कौची हो रही है। हम आलिए ना सुना दी कि खानी गेहूँ मने लगे हाल तो वही लिए देखे कि नमूना ले रही है तो वही से रोज दीदी से सीखे ला लिए है कि कितना मने इनखाने मने लगावा थी जमा में कितना वजन इनखाने के होबा है तो हमहूँ सरोज दीदी से कुछ सीखे भी। हम तो सीखे के दीदी। चलिए आप को हम सरोज दीदी से मिलाते हैं। सरोज दी आइए आपको किसी से मिलाते हैं। हाँ दीदी आ रही है। हाँ दीदी चलिए सुभद्रा दीदी से मिला देते हैं आपको। प्रणाम दीदी हमारा घर है जो कुथौर होली दीदी। प्रणाम दीदी हमारा सरोज देवी नाम है हम भूल के ही हो। दीदी नमूना कह लगे ले रहा नमूना ले रही है दीदी एक कट्ठा जमीन के लिए ले रही है दीदी कि एक कट्ठा में हमरा कितना उपज होवा है तैसे पहले ऐसे तो पूरा काट के वजन कर रही है तो पहले हम निकाले कि पाँच जगह से सैंपल ले लिए तो इतना ही हमारा पता लग जीते। चला दीदी कागज पर ही हमें बना के दिखा दियो कि कैसे नमूना ले जाए तो ज्यादा समझ में आ जी। तो रीता दीदी कलम कॉपी दीजिए था लीजिए ना देखो ये बनैली दीदी ती मानो कि हमार एक कट्ठा ही खेत है तो हम चार जगह से सैंपल लेवे तो एक डेग छोड़ के चारों कोना पर से एक एक डेग छोड़ के दो जगह हम लेवे। अच्छा सुनो दीदी और दो जगह लेवे हमें माध्यम मनु मीडियम मीडियम साइज हकर वहाँ से लेवे दो जगह से और एक जगह से लेवे हम बीचे से पांच जगह से पांचों नमूना दीदी यह नाप से काटना है दीदी एक मीटर लंबाई एक मीटर चौड़ाई से। अभी चार जगह से लेवे के कैसे दीदी कि आरिया तर से एक डेग छोड़ के लेवे के है एक डेग इन्हें छोड़ लिए आरिया तर इन्हों से लंबाई वो देने चौड़ाई वो देने दोनों देने तीनों देने छोड़ दिलिए एक सैंपल यहाँ से ले लिए और फिर एक सैंपल यहाँ से ले तो दो सैंपल हो गए। अच्छा दो सैंपल हो गए कुछ माध्यम और एक बीचे से ले लिए दीदी हम एक नमूना ले लिए दीदी अभी चार जगह के बाकी है। चलो दीदी हम कैसे लेबो जो बताइबो। चलो कितना लंबा ले हो दीदी और कितना मीटर चौड़ा ले हो नमूना। एक मीटर लंबा ली दीदी एक मीटर चौड़ा ली है और चारों बगल से नाप ले लिए एक मीटर लंबा एक मीटर चौड़ा और फिर जो बीच में रहा जो टोटल काट लिए। देखो नाप आइए हाँ ठीक हो गए। अब देखो दीदी नाप ले लिया अब एकरा काटे ही दीदी एक जगह से नमूना ले लिए दीदी तो एक अलगे रखबे और चार जगह से लेबे जो अलग अलग रखबे और अलग करके मांगबे।
फिर एक तरह दीदी जाइए फिर लेवे चार जगह से चलो जाइए लेवे ले। दीदी देखो आप पाँच घास काट के ले लिए दीदी, अब एक पाँचों के अलग अलग करके बांधवे और घर ले आके एक चूरवे और चूर के और फिर एक अलग अलग करके तौलवे। खेतवा से अलग अलग करके ले लू दीदी, जाए टूंग रलवे जरा कौची करबू। एकरा ले लिया दीदी तो एकरा बालिया देखो तोड़वे आ तोड़ के एकरा चूरवे आ चूर के एकरा फिर तौलवे। लावा दीदी हम मदद कर दही। जगह के रख लू दीदी, अब मेरा कौची कर दे। हाँ पाँचों खाई दीदी, अब पाँचों का अलग अलग करके वजन करी दीदी। निकालू दीदी अरे फिर कैसे पता चलते कि प्रति कट्ठा कितना गली। अब चलिए दीदी सबका गजवा पर, अब सब जोड़ के बताते हैं कि कितना होगा। जे बैठा दीदी बताओ कितना इकट्ठा में हमारे ऊपर हो ले है। कितना जमीन के लिए निकाल रहा दीदी? एक कट्ठा के निकाले दीदी। पाँच जगह से ले लिए दीदी, तो एक जगह से ले है 700 ग्राम और एक जगह से 650 ग्राम और एक जगह से 600 ग्राम और एक जगह से 550 ग्राम और एक जगह से 500 ग्राम। अभी सबके जोड़ा लिए दीदी तो 3000 ग्राम निकल ले। आई
पाँचों के पांच जगह के जोड़ा लिए तो 3000 अले, और 3000 ग्राम अले तो 3000 के ग्राम के या पाँच पाँच से भागा देवे तो अले 600 ग्राम। छ सौ ग्राम गुने 125 1075 किलो प्रति। हमारे एक कट्ठा में 75 किलो उपज आई दीदी। दीदी 125 से गुना और 1000 से भागा कै किलो? एक कट्ठा में 125 वर्ग मीटर हुआ दीदी, तो 600 से गुना करेंगे। पहले ले दीदी अथी ग्राम में ले है, अब ओकरा 1000 से गुना के लिए तो किलो में ले। पांच जगह से नमूना ले ली दीदी तो 3000 ले, 3000 के पांच से भागा दली तो 600 ग्राम आइले। अब ग्राम के 125 से गुना के लिए तो 7500 ग्राम आइले। 125 इससे गुना इसलिए के लिए कि एक कट्ठा में 125 वर्ग मीटर होबा है, तो 7500 ग्राम के फिर ग्राम में हले ओरा फिर किलो में लावेला 1000 से भागा दिली तो 75 किलो अले, यानी कि प्रति कट्ठा 75 किलो एवरेज अले। हाँ दीदी, अच्छा से समझ गेलो दीदी।